बिल्कुल, यही टीम वर्क और यही स्पिरिट है। एक जो खेल की स्पिरिट होती है वो यही है। अगर हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, अगर खुशकिस्मती से हम जीते होते तो हमारे कप्तान ने या जो भी है उन्होंने कहना था जो बाकी खिलाड़ियों को मिला वो सारा भी मुझे दे दें, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं कहना था कि नहीं जितना बाकी, उन्होंने कहना था जो उनके जेब में जा रहा है वो भी मेरी जेब में डाल दें, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे खिलाड़ी तो वैसे इतने अरसे से मशहूर है कि बिके हुए हैं। हमारे खिलाड़ी बिल्कुल, किसने खरीदा इनको? जो जुआ खेलते हैं इनके पर जो लगाते हैं उन्होंने, कुछ भी नहीं पकड़ा जाता। सीधी सी बात है, ये वो वाले हाथ ही नहीं है, ये वो वाले हाथ ही नहीं है जो कौम को जो है ना बहुत ऊपर तक पहुँचाएं। इन लोगों की कोई इज्जत बेइज्जती का कोई सवाल नहीं। इनको मौत भूल गई है, इनको आखिरत भूल गई है। इनको ये है कि जो कुछ हमने कमाना है अभी कमा ले, जो कमाना है और जाना तो इतनी सी जगह में ही है ना। जो है ना इंडियन टीम, मैंने आगे भी आपको थोड़ा सा बताया कि जो इंडियन टीम है ना ये बेस्ट टीम है। मुझे हो सकता है कई लोगों से मैं माफ़रा चाहता हूँ, कहेंगे कि अपनी टीम के बारे में छोड़ के तो उनको आप ये यानी कि तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। वो उनकी जो गेम है ना, गेम बहुत अच्छी है, हर खिलाड़ी की गेम अच्छी है। उनका एक बॉलर है तो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर बैट्समैन तो बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका एक एक प्लेयर जो है ना हमारी पूरी पूरी टीम पे भारी पड़ रहा है इस टाइम पर। हमारे प्लेयर बहुत ना कुछ नहीं है, समझ हैं तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। क्या वो पैसे खाते हैं, इंडियन टीम पैसे खाती है? मेरा ख्याल नहीं, मुश्किल लगता है वो अपनी यानी कि क्योंकि अक्सरियत में मैंने देखा है तारीख गवाया कि अगर वो किसी फाइनल में हार जाएं, कई जगह पे पाकिस्तान ने हराया भी उन्हें, तो वो हारने पे दूसरी यानी कि टीम जो है ना दूसरी कंट्रियों की वो भी लगा ले। हमारी पाकिस्तानी टीम ने भी अगर कहीं हराया है ना उन्हें तो वो हारने के मौके पर कई प्लेयर रोने पर भी वो मजबूर हो जाते हैं, प्लेयर रो पड़ते हैं। हमारी टीम जितनी दफ़ा भी हारेगी इनके चेहरे पर जो है ना कुछ स्माइल सी रहती है, लोगों को ना यानी कि पता ये बता दें। उन्हीं से तो मिलती है हमें, अपने पाप से मिलनी है हमें। आप बातें कर रहे हैं? नहीं, वो ज़ाहिर ईमानदार है ना। अच्छा, हम नहीं है? हम होते तो हमारे पास भी कुछ होता। हम ईमानदार होते हमारे पास भी कुछ। हाँ, तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास ट्रॉफी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। पैसे है, पैसे बहुत है। नहीं नहीं नहीं, उनके पास 600 अरब डॉलर खजाने में पड़े हैं। हाँ, बड़ा सा क्वेश्चन किया आपने। उनकी टीम में वाकई ईमानदारी है, इस टाइम वो अपने मुल्क के लिए वो बिल्कुल फेर होकर खेलते हैं, ईमानदारी के साथ खेलते हैं अपने मुल्क के लिए। हमारा जो है पाकिस्तान, ये किसी वक्त मेरी टीम बड़ी अच्छी थी, किसी वक्त में जब इमरान का दौर था, तो अब ये बिक जाती हैं। ये इनके आपस में नाइतफाकी भी है, ये भी कह सकते हैं। अच्छा। कुछ लड़के आपके कैप्टन बाबर आजम के साथ हैं और कुछ लड़के इनके साथ हैं, शहनशाह के साथ हैं। वो कहते हैं वो कैप्टन बने, कुछ कहते हैं वो कैप्टन बने, बस इनमें आपस में इसमें फूट पड़ी हुई है। अगर सर यही पैसा पा, कहेंगे कि ना मिटने वाली भूख है, ना मिटने वाली एक हवस है पैसे की, और वो कोई चीज़ नहीं भर सकता, कोई बंदा नहीं इनको पूरा कर सकता स्वाय कब्र की मिट्टी के पास। अच्छा। हाँ, और हम लोग मायूस हो चुके हैं, आवाम जो मायूस है, कोई हमारी, हमने तो मैच देखने ही छोड़ दिया। अच्छा, दफा ज़ाहिर है इन्होंने जीतना ही नहीं, जलील ही करना, क्या फ़ायदा है ना। इसको स्पिरिट ऑफ गेम कहते हैं, ये यही तो बात है। वो जैसे भी हों, वो गैर मजहब हों, जो भी है गैर मुस्लिम, उनमें ये जो है ये यूनिटी है, ठीक है। उनको अपनी अपनी नहीं पड़ी होती, उनको ये होता है कि हम सब मिल के खाएँ। इधर वाले सारे कहते हैं मैं ज़्यादा खा लूँ, वो कहता मैं ज़्यादा खा लूँ, मैं ज़्यादा, बल्कि इन सब के पैसे कलेक्टिव जो हमारी जेब में डाल। हाँ, तो क्रिकेट में ऑनेस्टी की है ना, ईमानदारी की बात है। वो ईमानदार थे तो जीत गए। अब ये गरीब हमारे बेचारे आगे जाते हैं, वो फिर वहाँ पे आपको पता है पैसा नज़र आता है तो गरीब नहीं है सर, वो शुरू में गरीब ही होते हैं बाद में अमीर होते हैं। अच्छा, गरीब नहीं है, 45-45 लाख सैलरियाँ लेते हैं वो। जब ये आते हैं ना ये बड़े, यानी हम जानते हैं ना 3-4 को तो मैं जानता हूँ, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी से हम देखते रहे उनको, तो वो गरीब थे। अच्छा। तो जब ये आए हैं तो बाद में 1-2 मैच खेलते हैं इनके पास, यहाँ पे इतना अच्छा खेलते हैं, वहाँ पे आगे जाते हैं तो वो ढेर हो जाते हैं। इल्म एहसास है ना, एहसास है तो एहसास हो तो फिर बंदा ऐसे काम करता है। हमें तो चाहे ये कहते कि 2.5 करोड़ क्या, हमने 5-5 करोड़ देना, इन्होंने कहना था वो भी कम है और दो। उनका एक एक खिलाड़ी जो है ना तबारी है, पता है इन्होंने 50 रन 70 रन सेंचुरी करके ही जानी है। अच्छा। चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे कोहली है, चाहे कोई भी प्लेयर है ना उनका, अगर बॉलर है तो पता है इन्हें 2-4 विकटें लेके ही जानी है। उनकी इतफाक है, गेम है उनकी, उनको इनके अपनी ना गेम से प्यार है, वतन से प्यार है,
इन लोगों को पता नहीं है पैसे लेते हैं कि आप लोग हार जो हम छक्के चौके मारते रहेंगे तुम लोग देखते रहना। नहीं, वो टीम के लिए मर मिटते हैं, मेरा नहीं ख्याल कर लगता कि वो पैसे लें, मैं मानता ही नहीं। हाँ, हमारे खिलाड़ी हो सकता है लेते होंगे, हो सकता नहीं, डेफिनेट लेते ही लेते हैं। ये पास कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ बात ना करें। नहीं नहीं, प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन देखें कि अगर आप लोगों ने इसी तरह की कारकर्दगी करनी है। सर, वो पैसे के लिए खेलते हैं या मुल्क के लिए खेलते हैं? इस टाइम ये पैसे के लिए खेल रहे हैं, मुल्क नहीं खेल रहे। अगर मुल्क के लिए खेलते तो इंशाल्लाह हम इतना कुछ स्कोर नहीं थे जो इंडिया से आ रहे हैं। मैच 120 स्कोर, वन साइड मैच था, लेकिन हम वहाँ भी हार गए। वन साइड मैच कैसे था? 120 स्कोर क्या है? और आपका हर बंदे का माइंड था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, लेकिन उन्होंने पैसे लिए हुए थे क्या कह सकते हैं? किसने दिए थे पैसे? ये बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, तो कहीं ना कहीं से बाहर दिए थे पैसे या इंडिया के नाम लेता है, लेकिन बिक जाते हैं ये हमारे हमारे मुसलमान बिक जाते हैं पैसे के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, खेलते फाइनल तक नहीं जाते, पता नहीं कितना का मोहब्बत इनको ये जो रुपयों से है कि पूरे पूरे पाकिस्तान से ये यानी कि उनके जज्बात से ही खेलते हैं। सीधी बात है, आवाम के जज्बात से खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिसेंटली T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 इंडियन टीम जीत गई, उसके बाद BCCI ने एक बोनस मुख्तस किया इंडियन कोच राहुल द्रविड़ के लिए, लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं एक्स्ट्रा बोनस नहीं लूँगा। ढाई करोड़ को उन्होंने थूक दिया, 2.5 करोड़ को कहा कि मैं नहीं लूँगा, जितना बाकी के सपोर्ट स्टाफ को दिया जा रहा है, बाकी के मेम्बर्स को दिया जा रहा है, मैं भी उतनी ही प्राइज मनी लूँगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा। उसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि इंडियन टीम के कप्तान जो कि T20 के अंदर थे रोहित शर्मा, उन्होंने भी अपना एक्स्ट्रा बोनस यानी कि 2.5 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। उन्होंने कहा जितना बाकी के सपोर्ट स्टाफ को, कोच को दिया गया है, मेरा भी उतना ही हक बनता है। ये एक बहुत बड़ी यूनिटी की मिसाल हमारे सामने आ गई है कि जहाँ पर कोच ने तो कहा है कि मैं बोनस नहीं लेता, वहाँ पर टीम के प्लेयर कप्तान ने भी कह दिया कि मैं सपोर्ट स्टाफ को ही सपोर्ट करूंगा और जितना उनको पैसा मिला है उतना ही पैसा दूंगा। तो पाकिस्तान की टीम के लिए अगर इतनी मनी मुक्तिस की जाती या प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती तो क्या रवैया होता, क्या बिहेवियर होता हमारे प्लेयर्स का, या क्या यहाँ पर एक सीन देखने को मिलता और इंडियन टीम की यूनिटी के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है। आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल यही टीम वर्क और यही स्पिरिट है, एक जो खेल की स्पिरिट होती है वो यही है। अगर हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, अगर खुशकिस्मती से हम जीते होते तो हमारे कप्तान ने या जो भी है उन्होंने कहना था जो बाकी खिलाड़ियों को मिला वो सारा भी मुझे दे दें, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं कहना था कि नहीं जितना बाकी, उन्होंने कहना था जो उनके जेब में जा रहा है वो भी मेरी जेब में डाल दें, ठीक है। अगर उससे बच जाता तो गवर्नमेंट कहती है अब हमें दे दो, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे खिलाड़ी तो वैसे ही इतने अरसे से मशहूर है कि ये बिके हुए हैं। हमारे खिलाड़ी? बिल्कुल। किसने खरीदा इनको? जो जुआ खेलते हैं इनके पर जो लगाते हैं उन्होंने, या फिर ये मुकमका कर लेते हैं जी हम हार जाएंगे आप इतने पैसे हमारी जेब में डाल दो। सबको पता है, देखे ना, बॉलिंग तो ये अच्छी कर लेते हैं लेकिन बल्ला नहीं पकड़ा जाता, इनसे बैटिंग नहीं होती, इनसे ये क्या है? इनसे कुछ भी नहीं पकड़ा जाता, सीधी सी बात है। ये वो वाले हाथ ही नहीं है, ये वो वाले हाथ ही नहीं है जो कौम को जो है ना बहुत ऊपर तक पहुँचाएं। इन लोगों की इज्जत बेइज्जती का कोई सवाल ही, इनको मौत भूल गई, इनको आखिरत भूल गई है, इनको ये है कि जो कुछ हमने कमाना है अभी कमा लें, जो कमाना है और जाना तो इतनी सी जगह में ही है ना, ठीक है ना। जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तब हम लोग आपस में पैसों के लिए लड़ मरे थे, क्या मसला है हमारे साथ, हमें यूनिटी क्यों नहीं दिखती है? हमारे कोच अच्छे हैं, बाबर आजम कप्तान जो थे उनको अपनी ही पड़ी होती थी, क्या कहते हैं? इसको कहेंगे कि ना मिटने वाली भूख है, ना मिटने वाली एक हवस है पैसे की, और वो कोई चीज़ नहीं भर सकता, कोई बंदा नहीं इनको पूरा कर सकता सिवाय कब्र की मिट्टी के पास। अच्छा। हाँ, और हम लोग मायूस रो चुके हैं, आवाम जो मायूस है, कोई हमारी, हमने तो मैच देखना ही छोड़ दिया। अच्छा, दफा जाहिर है इन्होंने जीतना ही नहीं, जलील ही करना, क्या फ़ायदा। और अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं, कोच ने अपने साथियों का साथ दिया, जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी कोच का साथ दिया, ये क्या बात हुई? हालांकि इसको स्पिरिट ऑफ गेम कहते हैं, ये यही तो बात है। वो जैसे भी हों, वो गैर मजहब हों, जो भी है गैर मुस्लिम, उनमें ये जो है ये यूनिटी है, ठीक है। उनको अपनी अपनी नहीं पड़ी होती, उनको ये होता है कि हम सब मिल के खाएँ। इधर वाले सारे कहते हैं मैं ज़्यादा खा लूँ, वो कहता है मैं ज़्यादा खा लूँ, मैं ज़्यादा, बल्कि इन सब के पैसे कलेक्टिव भी जो हमारी जेब में डाल। अगर हमारे खिलाड़ियों के लिए कोई प्राइज मनी
पीछे से आई होती तो क्या सीन होता यहाँ पर, ये बताइएगा। अगर कोई बोनस किसी को दिया जाना होता तो क्या यहाँ पर सीन हम देखते? तब भी यही कुछ होना था, कह देना था कि हमने ले लेना था। नहीं नहीं, इन्होंने कहा था वो भी दे दें, हमें दे दें सारा, हमने गवर्नमेंट को देना। अच्छा, इन्होंने कहना था हमें दे दो सारा, हमें दे दो सारा, आधा हम गवर्नमेंट को देंगे आधा हम खुद लेंगे। जो ऊपर लेवल पे जो थे ना, मिल बांट के खाना था और किसी को भी नहीं मिलना था। अच्छा, हाँ, वेरी जो ना डिसअपॉइंटेड हम लोग, तो मतलब आवाम जो उसको पता है कि क्या गेम चल रही है, खाओ टीम है बस। एट द एंड सिर्फ यही कहूँगी, खाओ टीम है, खाना पीना बस, मरना भूल गया। यूनिटी वगैरह कोई कुछ नहीं पता इनको? कुछ भी नहीं, कोई यूनिटी नहीं। थैंक यू सो मच। वो कुछ और मांग दे क्या मतलब? वो कहते और ज्यादा दो ना, हमारे खिलाड़ी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पैसे कहते हमें और पैसे दो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बाकी खिलाड़ियों के वो भी हमें दे दो। हाँ जी। तो जो इंडियन कोच और उनके जो कप्तान रोहित शर्मा थे, उन्होंने अपने पैसे वापस कर दिए हैं, उनके बारे में क्या कहते हो? वो एक अच्छी मिसाल कायम किया ना उन्होंने बाकियों के लिए। अच्छा, यूनिटी टीम वर्क है उनमें आपस में? जी बिल्कुल है। हाँ जी। कैसी टीम है वो? अच्छी है, बेहतरीन टीम है। बेहतरीन टीम है। हमें ऑनेस्टी की मिसाल उनसे मिल सकती है? उन्हीं से तो मिलती है हमें, अपने पाप से मिलनी है हमें। आप बातें कर रहे हैं? नहीं, वो जाहिर ही ईमानदार है ना। अच्छा, हम नहीं है? हम होते तो हमारे पास भी कुछ होता। हम ईमानदार होते हमारे पास भी कुछ। हाँ, तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास ट्रॉफी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। पैसे है, पैसे बहुत है। नहीं नहीं नहीं, उनके पास 600 अरब डॉलर खजाने में पड़े हैं, हमारे पास, हाँ हमारे पास 6 भी नहीं है। उनके पास 6 अरब डॉलर पड़े हैं ना, तो हमारे पास तो 6 वैसे भी नहीं है डॉलर, जितने पड़े हैं सारे उधार के। लेकिन मैं तो क्रिकेट की बात कर रही हूँ। हाँ तो क्रिकेट में ऑनेस्टी की है ना, ईमानदारी की बात है। वो ईमानदार थे तो जीत गए। अब ये गरीब हमारे बेचारे आगे जाते हैं, वो फिर वहाँ पे आपको पता है पैसा नजर आता है तो। गरीब नहीं है सर, वो शुरू में गरीब ही होते हैं, बाद में अमीर होते हैं। अच्छा, गरीब नहीं है, 45-45 लाख सैलरियाँ लेते हैं वो। जब ये आते हैं ना ये बड़े, यानी हम जानते हैं ना 3-4 को तो मैं जानता हूँ, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी से हम देखते रहे उनको, तो वो गरीब थे। अच्छा। तो जब ये आए हैं तो बाद में 1-2 मैच खेलते हैं इनके पास, यहाँ पे इतना अच्छा खेलते हैं, वहाँ पे आगे जाते हैं तो वो ढेर हो जाते हैं। तो जब ढेर हो जाते हैं तो वो बाद में उठते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं वो, पता नहीं कैसे माल पानी मिल जाता है। वैसे हम लोग हर मामले में कहते हैं कि इंडिया मैच फिक्सिंग करता है, इंडिया ये करता है वो करता है, लेकिन हम लोग ये जब खबरें सामने आती हैं, ऑफिशियल आर्टिकल आते हैं कि कोच ने भी अपनी मनी दे दी और प्लेयर्स ने भी कोच के लिए अपनी मनी दे दी, स्टाफ के लिए अपनी प्राइस मनी दे दी, ये कहकर कि हम अपनी टीम में डिस्टर्बेंस नहीं आने देना चाहते, जितना बाकियों को मिलेगा उतना हमें भी मिलेगा। बस ये कि उनके दिल में एहसास है ना, एहसास है तो एहसास हो तो फिर बंदा ऐसे काम करता है। हमें तो चाहे ये कहते कि 2.5 करोड़ क्या, हमने 5-5 करोड़ देना, इन्होंने कहना था वो भी कम है और दो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बाकी हमारी और बेशक हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो अपनी पाकिस्तानी टीम के बारे में ज़्यादा वो, यानी कि अच्छे अल्फाज में जो भी है बोलना चाहिए, सच्चा वो बोलना चाहिए। हाँ, हमायत भी करनी चाहिए लेकिन किसी सच्चाई के तहत तक ना। ये कि हमारी और उनकी टीम में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, उनकी टीम हर लिहाज से बहुत अच्छी है। वैसे व्यापिस में भी उनका एक बड़ा इतफाक है, यहाँ पे में जिस तरह भी हमारी टीम के कुछ ऐसे हैं, कोई ऐसे कोई रीज़न वजह है जिसकी वजह से ना काफ़ी हद तक आवाम भी जो है ना इनके अपसेट होती है, जब ये हार जाते हैं, ये पैसा खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, इसके बारे में खुल के क्या कहूँ मैं, अच्छा नहीं लगता। बाकी सब ही बोल रहे हैं और सबको ही पता है क्या चल रहा है, वैसे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप सच ही बोल रहे हैं। मैं रियलिटी में हूँ, सच्चाई में बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बात कर रहा। ये कि हमारी टीम ना जिस हद तक अगर ये चाहें कि हम जीतना चाहते हैं तो ये जीत जाते हैं, अगर हम ये कहें ना कि हमने यानी कि हारना है तो चाहे ये 20 स्कोर के भी ऊपर आउट हो जाएं, इन्होंने पैसे की गेम खेलनी है बस, इनके ऊपर जो भी है ना, इन्होंने हारना तो इनके वो है क्या नाम है, जिस तरह भी लगा लो इन्होंने ना पेशा बन चुका है हारने का। है पैसे ही है। पैसे देखिए आप, बड़े बड़े पाकिस्तान के अलावा भी आउट ऑफ पूरी कंट्री जितने भी हैं वर्ल्ड में, बहुत बहुत बड़े जवारी ये लोग हैं, बहुत दुनिया खरीदने वाली टीमें हैं। तो वो सिर्फ हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि वो हम पर ही पैसा लगाते रहते हैं। हमारी टीम बिक जाती है, कई टीम ऐसी हैं जो वर्ल्ड की नहीं भी बिकती हैं,
अपनी मुल्क की खातिर बहुत अच्छा यानी कि खेलती हैं, पूरी पूरी परफॉर्मेंस करती हैं। हमारी जो टीम है ये परफॉर्मेंस नहीं अपने यानी कि लेवल से नहीं करती जद्दोजहद, ये इनसे पैसे की गेम है सारी। पैसा दे दो तो जीत भी जाएं, पैसा दे दो तो हार भी जाती हैं, ये पैसे की गेम है इनके ऊपर सारी। इंडियन टीम प्लेयर्स के बारे में सर आप क्या कहते हैं कि कोच ने तो अपने सपोर्ट स्टाफ जितना भी है बाकी उसके लिए अपने पैसा उन्होंने कहा कि मैं बोनस नहीं लूँगा, लेकिन जो खिलाड़ी हैं जो कप्तान हैं उन्होंने भी सपोर्ट स्टाफ को कहा है कि जितना उनको मिलेगा पैसा उतना ही हमें भी मिलना चाहिए, उन्होंने भी अपने पैसे वापस कर दिया है, तो इस ईमानदारी के बारे में इस यूनिटी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए एक तो जो है ना इंडियन टीम, मैंने आगे भी आपको थोड़ा सा बताया कि जो इंडियन टीम है ना ये बेस्ट टीम है। मुझे हो सकता है कई लोगों से मैं माफ़रा चाहता हूँ, कहेंगे कि अपनी टीम के बारे में छोड़ के तो उनको आप ये यानी कि तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, वो उनकी जो गेम है ना गेम बहुत अच्छी है, हर खिलाड़ी की गेम अच्छी है। उनका एक बॉलर है तो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर बैट्समैन तो बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका एक एक प्लेयर जो है ना हमारी पूरी पूरी टीम पर भारी पड़ रहा है इस टाइम पर। हमारे प्लेयर बहुत ना कुछ नहीं है, समझ हैं तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। अच्छा। क्या वो पैसे खाते हैं, इंडियन टीम पैसे खाती है? मेरा ख्याल नहीं, मुश्किल लगता है वो अपनी यानी कि क्योंकि अक्सरियत में मैंने देखा है तारीख गवाह है कि अगर वो किसी फाइनल में हार जाएं, कई जगह पे पाकिस्तान ने हराया भी उन्हें, तो वो हारने पर दूसरी यानी कि टीम जो है ना दूसरी कंट्रियों की वो भी लगा रहे हमारी पाकिस्तानी टीम ने भी अगर कहीं हराया है ना उन्हें तो वो हारने के मौके पर कई प्लेयर रोने पर भी वो मजबूर होते हैं, प्लेयर रो पड़ते हैं। हमारी टीम जितनी दफ़ा भी हारेगी इनके चेहरे पे जो है ना कुछ स्माइल सी रहती है, लोगों को ना यानी कि पता ये बता देते हैं खुद ही कि हम खुद हारे हैं या हमें कोई परवाह नहीं है। कितने लोगों के दिल टूटते हैं आवाम के करोड़ों की, कितनी दुआएँ करी उतनी, कितने ये कोई भी टूर्नामेंट आने से पहले आवाम कितनी खुश होती है। अभी दो चार मैच खेलते तो ये आउट होकर बाहर आए थे घरों में, यानी कि ये लॉन्ग नहीं यानी कि खेलते फाइनल तक नहीं जाते, पता नहीं कितना का मोहब्बत है इनको ये जो रुपयों से है कि पूरे पूरे पाकिस्तान से ये ना यानी कि उनके जज्बात से ही खेलते हैं, सीधी बात है आवाम के जज्बात से खेलते हैं। अगर ऐसा ही पैसा हमारी टीम के किसी प्लेयर या कोच के लिए मुख्तस किया जाता बोनस के तौर पर हमारे खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन होता? ले लेते हैं हमारे खिलाड़ी, ले लेते हैं हाँ खुशी से ले लेते हैं। सुनने में आया ये कि तो तस्वीरें तक ये अमेरिका जो टूर्नामेंट हुआ पीछे वर्ल्ड ट्रॉफी का ये T20 का, तो उसमें भी तस्वीरें खिंचवाने तक सुनने में आया कि ये चंद डॉलरों के पीछे $25 वन पिक्चर हम यानी कि आप हमारे साथ यानी कि खिंचवा रहे हैं तो हम इतने 25 या 25 हम लेंगे, इनका एक रेट था यानी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान के तो इस तरह की हद तक जा रहे हैं तो वेरीफाइड गलत है, ये बहुत ज़्यादातर गलत है इस तरह। हाँ पाकिस्तानी टीम का आज भी अगर एक फ़र्द होता ना जिसके अंडर में गेम थी, अगर उसकी यानी कि हमारा मैं सीधी बात कहूँगा इमरान खान साहब की, क्या मैंने इधर उधर घुमाना है, हाँ वो एक बहुत बड़ा यानी कि ये वर्ल्ड कप भी वही जीता, हमने तो देखा भी हुआ है। अच्छा। तो आपने शायद वो देखा ना हो 92 का जो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड के साथ जो फाइनल था, कितना कुछ उनको यानी कि उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हें वज़ीर यहाँ के बना देंगे, कितना पैसा कितना पौंड चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए, आप एक दफ़ा मुँह तो खोलें खान साहब। पैसा लगाया था मतलब उनको लगता था कि पाकिस्तान ने जीतना ही जीतना है, हम अपने खजाने खाली कर दें, हम अपना मुल्क बेच दें और पाकिस्तान के जो हल्के देखो क्रिकेट जो याद करने वाले ICC वाले वर्ल्ड ये इंग्लैंड वाले। अच्छा। इंग्लैंड के साथ था इनका फाइनल, इंग्लैंड टीम के जो कैप्टन लगा लें उनके कोच लगा लें या उनके वजीर तक लगा लें कि हमारा अभी तक जो मुल्क है ना इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप नहीं जीता। आप खान साहब जो कुछ पैसा जो कुछ चाहिए आप एक दफ़ा हमें बताएं तो सही है कि आपके पास मुंह खोलें या जो कुछ नाम रखें किसी चीज़ का, आपको क्या क्या चाहिए, आप कब हार जाएं तो बिकना होता तब बिक जाता है। ये हमेशा कह के आता है कि मैं जीत के आऊँगा तो जीत के आया है, कितने कैप्टन आए हैं कितने यानी कि आए हैं बड़ा कुछ, लेकिन नहीं कोई नहीं इसके बाद ना जीतेगा कोई तो ना इससे पहले कोई जीता था, ये खान साहब का ही था या अल्लाह की उनकी मेहरबानी थी अल्लाह परवरदिगार की कि उन्होंने ये इज्जत उनको अता की इमरान खान साहब को। और हमारी बदयानती है, हमारा टीम वर्क नहीं है, हम आपस में झड़पें करते हैं जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं। नहीं आप इसमें मेरा तो ख्याल है कि हमारी जो नीयतें हैं ना नीयतें ही सही नहीं है, सीधी सी बात है। मैं माजरत भी जाऊंगा, हो सकता कई खिलाड़ी है कई ये जब ये बात हो चीज कोई भी सुनेगा। इंडियन प्लेयर्स को बुरा कहते हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स चली जाती हैं, आपको पर्सनली लगता है कि वो लोग बुरे हैं या वो लोग फिक्सिंग वगैरह या इस तरह के मामलों में मुलव्वस है बदयानती में? वो लोग बुरे नहीं हैं, मैं किसी इंसानियत नाते
देखिए एक पाकिस्तान इंडिया की शुरू से एक झड़पें एक अलहदा इनका जो रीज़न अलहदा सिस्टम है उसको मैं नहीं कहता कुछ भी। अच्छा। गेम के हवाले से ना एक खिलाड़ी के हवाले से तो वो जो उनकी टीम है ना वो बहुत अच्छी टीम है। उनका एक एक खिलाड़ी जो है ना एतबारी है, पता है इन्होंने 50 रन 70 रन सेंचुरी करके ही जानी है। अच्छा। चाहे वो रोहित शर्मा है चाहे कोहली है चाहे कोई भी प्लेयर है ना उनका, अगर बॉलर है तो पता है इन्हें 2-4 विकेटें लेके ही जानी है। उनकी इतफाक है, गेम है उनकी, उनको इनके अपनी ना गेम से प्यार है, वतन से प्यार है। इन लोगों को पता नहीं है पैसे लेते हैं कि आप लोग हार जो हम छक्के चौके मारते रहेंगे तुम लोग देखते रहना। नहीं वो टीम के लिए मर मिटते हैं मेरा नहीं ख्याल कर लगता कि वो पैसे लें, मैं मानता ही नहीं। हाँ हमारे खिलाड़ी हो सकता है लेते होंगे, हो सकता नहीं डेफिनेट लेते हैं। ये पास कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ बात ना करें। नहीं प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन देखें कि अगर आप लोगों ने इसी तरह की कारकर्दगी करनी है तो मैंने आगे भी कहा कि मैं माजरा चाहूँगा, इस तरह की कारकर्दगी के करनी तो गली मोहल्लों में भी ऐसे प्लेयर बहुत हैं, आम खिलाड़ी जो हैं उनसे ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं। हाँ वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, 5-5 ओवरों का 10-10 ओवरों का मैच होता है, 150-200 स्कोर मार जाते हैं 10 ओवरों में। आम लोग जो हैं ये पुराने लोग हैं, ठीक है जल्दी कहीं किसी को नहीं मौका दिया जाता, अगर किसी को दिया जाता है तो उसको दबा दिया जाता है। भाई हमने तो ये 70 रुपये आउट होना है, कैप्टन कह रहा है या कैप्टन को पकड़ लिया जाता है या हो सकता है और भी बड़े बड़े ऊंचे ऐसे मामलात हैं कि प्लेयर्स को रोक दिया जाता हो, और भी बड़े सिस्टम हैं पैसों के अलावा भी हो सकता है सिस्टम हो मुल्की तौर पे हो। अच्छा। यार हमारी वो कंट्री से मामला कुछ काला है। हाँ कुछ ना अमेरिका से भी हर जो सिस्टम है हमें भाई जाती तौर पर छोटी छोटी टीम से तो हम जीत जाते हैं। छोटी टीम से भी देखें अमेरिका का पहला ही मैच था, अमेरिका से हार गए, वो छोटी टीम ही है, फर्स्ट मैच है उनका। तो हमारी एक इंटरनेशनल टीम है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तो ये क्यों हार जाती है? अगर वो कोई क्या नाम है ये अफगानिस्तान की टीम है तो वो भी उनसे भी हार जाते हैं। मेरा ख्याल है कि और कोई टीम निकलेगी की बात है, नई से नई टीम, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, इनकी ख़राब हो जाती है। पहले इंडियन बांग्लादेश इनकी करेंसी में कितना फ़र्क था, लो थी, आज ये नीचे आ गए वो ऊपर जाते, हर एक लेवल से हमारा मुल्क ना डाउन होता जा रहा है हर लिहाज से, पता नहीं क्या वजह है, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं बड़ी घबरा के भी बातें कर रहा था, लेकिन ये कि सिस्टम आउट है, हो जाता है कभी कभी। हाँ हर लिहाज से सिस्टम आउट है, बाकी दावेदार कोई बात। थैंक यू सर। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, उनकी टीम में वाकई ईमानदारी है, इस टाइम वो अपने मुल्क के लिए वो बिल्कुल फेर होकर खेलते हैं, ईमानदारी के साथ खेलते हैं अपने मुल्क के लिए। हमारा जो है पाकिस्तान, ये किसी वक्त मेरी टीम बड़ी अच्छी थी किसी वक्त में जब इमरान का दौर था, तो अब ये बिक जाती हैं, ये इनके आपस में ना इतफाकी भी है, ये भी कह सकते हैं। अच्छा। कुछ लड़के आपके कैप्टन बाबर आजम के साथ हैं और कुछ लड़के इनके साथ हैं शहनशाह के साथ हैं, वो कहते हैं वो कैप्टन बने, कुछ कहते हैं वो कैप्टन बने, बस इनमें आपस में इसमें फूट पड़ी हुई है। अगर सर यही पैसा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया जाता किसी एक को बोनस के तौर पे या कोच को, तो हमारे खिलाड़ियों का क्या बिहेवियर होना था, हमारे प्लेयर्स से क्या कैसा सीन पैदा होना था यहाँ पर, हमें क्या यहाँ पर यूनिटी देखने को मिलती? ये पैसे जो आप कह रही हैं इधर कोच की तरफ से आते हैं? इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कोच को एक्स्ट्रा बोनस देने का कहा ना, तो कोच ने कहा जितने बाकियों को मिलेंगे मैं उतने ही लूंगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। फिर उनके कप्तान ने भी कह दिया, उन्होंने अपने आधे पैसे वापस भी कर दिए। पाकिस्तान में ऐसा होता, हमारे खिलाड़ी क्या करते हैं, हमारे प्लेयर्स इन्होंने ले लेने थे और जिसको उन्होंने देने थे उसने अपनी तरफ अपने पास रख लेना। तो बाकी प्लेयर्स में फिर वो फूट वाला हिसाब ही था, फूट वाला हिसाब, पूरी पड़ी रहनी थी, लड़ाई झगड़ा हो जाना जी, ऐसा ही। इतनी बदध्यानती या टीम वर्क क्यों नहीं है हमारे अंदर? मैंने आपको बताया कि इस टाइम ना हमारी टीम में फूट पड़ी हुई है, वो इस टाइम वो कहते हैं कि एक तरफ कैप्टन बाबर बन जाए, दूसरे लड़के कहते हैं कि कैप्टन दूसरी शहनशाह की कप्तानी में हम लोग खेलना चाहते हैं, इसे फूट पड़ी हुई है। बाकी और भी काफ़ी तनाजात हैं, हो सकता है ये हमारे ऐसे लड़के ना बिक जाते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पैसे के लिए खेलते हैं या मुल्क के लिए खेलते हैं? इस टाइम ये पैसे के लिए खेल रहे, मुल्क नहीं खेल रहे, अगर मुल्क के लिए खेलते तो इंशाल्लाह हम इतना कुछ स्कोर नहीं था जो इंडिया से आ रहे हैं मैच। 120 स्कोर, वन साइड मैच था, लेकिन हम वहाँ भी हार गए। वन साइड मैच कैसे था? 120 स्कोर क्या है, और आपका हर बंदे का माइंड था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, लेकिन उन्होंने पैसे लिए हुए थे क्या कह सकते हैं? किसने दिए थे पैसे? ये बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, तो कहीं ना कहीं से बाहर इंडिया ने दिए थे पैसे या इंडिया के नाम ही लेता है, लेकिन बिक जाते हैं ये हमारे मुस्लिम,
हमारे मुसलमान बिक जाते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, आपको लगता है इंडिया खरीद लेगा इनको? देखिए जी, मुझे मैं एक मिसाल देता हूँ, एक काम करने के मुझे मिल रहे हैं 1000 रुपया और उसके ऊपर से मुझे वो कहता है कि 1500 ले लो, तो मैं 1500 काम भेज जाऊँगा, मैं चाहे वो ईमानदारी नहीं होगी ना फिर आप पे, तभी इसलिए ऐसे करेंगे, इसलिए करेंगे। हमारे मुल्क बिक जाता है, हमारी टीम, सामने वाले को भी तो देखना पड़ेगा ना, वो आपको पैसे देता है कि नहीं देता, या वो ईमानदार है। ये कहते हैं कि मिसाल अगर मैच जीतने के हमें मिलते हैं ना, सपोज के 5 लाख रुपये मैच जीतने के मिलते हैं और हारने के आपको मिलेंगे 8 लाख रुपये, तो कहते 8 लाख ले लो, वो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी, यानी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, पैसों के लिए कुछ भी कर, हाँ वही बात की, पैसों के लिए बिक जाते हैं ये, कि मैच जीतने के लिए मिलने 5 लाख, हारने के मिलने 8 लाख, तो 8 लाख ले लेंगे। वर्क कभी देख सकते हो इनमें? नहीं, अभी नहीं। इंडियन टीम में टीम वर्क या यूनिटी है? सिस्टम तो बहुत ज़्यादा, वो सिस्टम ऐसे ही एक जगह बिल्कुल, हाँ सिस्टम है उनमें इस टाइम है, मतलब इस वक्त वो बिल्कुल फिर वो खेल रहे हैं, अपने मुल्क खेल रहे हैं और एक फैमिली की तरह खेल रहे हैं, यानी कि अपने मुल्क के लिए खेलते हैं वो। हमारे लगे जो है, मैं वही कह रहा हूँ, बिक जाती हैं, यानी कि उनको बस। थैंक यू सो मच।